दोस्तों, अगर आपने पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पैन कार्ड को कैसे अपने मोबाइल में पीडीएफ फाइल में कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको ज़रूरत पड़े तो आप जो है अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र वगैरह कहीं पर जाकर जो है उसका जो है ओरिजिनल फ़ोटो कापी यानी ओरिजिनल जो है बनवा भी सकते हैं, ओरिजिनल प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, यहाँ पर हम आपको पैन कार्ड को डाउनलोड करने का पूरा तरीका बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नाली दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूँ बीरेन कुमार। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल को इनेबल कर लीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पैन कार्ड को डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लेना है और वहाँ पर पैन कार्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपने मोबाइल में कोई एक ब्राउज़र खोल लेते हैं, जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र यहाँ अपने मोबाइल में ओपन कर लेते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर जो गूगल का सर्च बार है यहाँ पर आपको लिख देना है पैन कार्ड पैन डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, पैन डाउनलोड लिख आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस अगर कुछ खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है डाउनलोड ई पैन, उसके बाद NSDL करके लिखा हुआ है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से आ जाता है डाउनलोड ई पैन। तो यहाँ पर डाउनलोड करने का तरीका आ गया। तो यहाँ पर देखिए नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन से दी गई, इसके कुछ नियम दिए गए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ देखेंगे ऑप्शन दिख रहा है एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड कैप्चा कोड। तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देना है, जो कि आप पैन कार्ड को ऑनलाइन कराते समय जो आपको रसीद मिली थी उस रसीद में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जिसे मैं नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि कौन कौन सा अक्षर लिखा है, तो आप उसको सेम जो है यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है दोस्तों, उसको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ऊपर दिख जाएगा, उसके बाद जो मोबाइल नंबर है उसका 4 अंक दिख जाएगा, उसके बाद आपने जो ईमेल दिया है तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देना है कि आप इसको तभी खुद से डाउनलोड कर पाएंगे जब आप पैन कार्ड को बनवाते समय अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों, यहाँ क्या करना है आपको, जो यहाँ पर चेक बॉक्स नीचे दिख रहा है तो यहाँ पर एक थी ईमेल आईडी लिखा है, उसके अब एक बॉक्स बना है, उसके बाद मोबाइल नंबर के पहले भी यहाँ एक बॉक्स बना है, फिर बॉक्स पर बॉक्स बना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, किसी एक पर क्लिक कर देना है। यानी कि आपका जब यहाँ पर मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को लेकर फिर यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अगर ईमेल पर चाहते हैं आप OTP लेना तो आप ईमेल पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप दोनों पर चाहते हैं तो आप बोथ पर क्लिक कर दीजिए, दोनों पर OTP पहुँच जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो ऑन टाइम पासवर्ड का अगला जो नीचे वाला बॉक्स है इसको भी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जनरेट OTP का जो ऑप्शन दिख रहा है दिखेगा नीचे, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ ध्यान दे देना है कि आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या दोनों पर OTP मंगा सकते हैं। उसके बाद जो नीचे ऑन टाइम पासवर्ड के पहले का जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको चेक कर देना है, उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है और जो आपका जीमेल है वहाँ दोनों पर एक ऑन टाइम पासवर्ड भेज दिया गया है, एक OTP भेज दिया गया है जो कि आपको यहाँ एंटर कर देना है और वो OTP मात्र 10 मिनट के लिए वैलिड है, यानी 10 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप OTP एंटर करके वैलिडेटर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अगला पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खुलकर आ जाएगा और आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पैन डाउनलोड ई पैन PDF फाइल में और यहाँ पर जो है पैन XML। तो यहाँ पर आपको PDF यानी ऊपर वाला चूज़ कर लेना है डाउनलोड ई पैन PDF फाइल में, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप नीचे डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या तो अगर इस प्रकार से मैसेज आपके सामने दिखे तो आपको रिज्यूम पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने किसी का डाउनलोड किया हुआ तो मैं जिसे डाउनलोड कर लेंगे
उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन उसे आप ओपन नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको अपनी गैलरी में आपको अपने मेमोरी कार्ड में चले जाना है, जहाँ से आप डाउनलोड करके जो है कोई फाइल वगैरह जहाँ पर डाउनलोड करके रखते हैं, जहाँ पर आता है तो आपको, जिससे यहाँ पर मान लीजिए मेरे में डॉक्यूमेंट करके ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, या आप अपने मेमोरी में डाउनलोड फाइल जहाँ भी हो डाउनलोड का उसको आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर ओपन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार देखिए ऊपर आ गया है, तो जो ऊपर वाला यहाँ पर आप दिख रहा है यही हमारा जो अभी डाउनलोड हुआ है, इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पासवर्ड आपको कौन सा एंटर करना है, क्या होगा आपका पासवर्ड, तो फ्रेंड यहाँ पर जो पासवर्ड होगा वो आप जिस व्यक्ति का पैन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उसकी जन्मतिथि को यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे मैं जिसका यहाँ डाउनलोड किया हूँ उसकी जो जन्मतिथि है वो 6/5/2001 है, यानी कि 06/05/2001 तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद ओपन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ओपन पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए पैन कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पर जो कि अब आप इसे जहाँ चाहे वहाँ ले जाकर प्रिंट मरवा सकते हैं, आप ओरिजिनल प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आपके लिए ये हर प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे जो है कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स ने हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर मांगा था तो हमने अपना व्हाट्सएप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिखकर लेकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।